सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर बेहतरीन ऑफर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे कम दाम। रॉयल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरडीन बाजार। हैप्पी निवास अनाउंसेस मेगा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट साइलेंट वैली नियर कामराजनगर कालीकट विलेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट हैप्पी निवास जी आर रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट 9933288879 एंड 9474220226। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज सुबह से ही आम चुनाव 2019 के लिए मतगणना सुनियोजित तरीके से आयोजित किया गया, पर मतगणना केंद्र में मौजूद तमाम लोगों का कहना है कि मतगणना के नतीजे बाहर आने में काफी देर हो रही। लोगों का कहना है कि अंडमान निकोबार द्वीप संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मतगणना केंद्र से ई सुविधा पोर्टल पर मतगणना नतीजों को अपलोड करने में देरी की वजह से पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग रहा। ईवीएम मशीनों के आने के बाद यूं तो पिछली बार करीबन 4-5 बजे तक नतीजे बाहर आ गए थे, इस बार लोगों का कहना है कि नतीजे आने में रात के 7 या फिर 8 बज सकते हैं। सुबह के वक्त मतगणना केंद्र के बाहर काफी उत्साहित लोग पहुंचे थे, पर दोपहर होते होते सब देरी की वजह से घर जा चुके। जो काउंटिंग का काम हो रहा है बहुत स्मूथली हो रहा है, लेकिन ई सुविधा पोर्टल में जो एंट्री है उसकी वजह से जो देरी है, अभी काउंटिंग्स पे देरी हो रही है। तो हमारा कंसर्न यही है कि टाइमली पूरा करने के लिए ई सुविधा का जो पोर्टल में अपडेशन, वो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अच्छा ध्यान रखता इलेक्शन कमिश्नर अपने हिसाब से, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा लेट नहीं होता और हमारा जो काउंटिंग का प्रोसेस है और जल्दी हो सकता। अब जो लग रहा है कि इसके हिसाब से तो अभी हमारा 5 राउंड ही करीबन 1 बजे तक हुआ और हमारा 10 राउंड बचा हुआ है। अगर ई सुविधा पोर्टल अभी 1 बजे तक, आप सुन सकते हैं, सुबह 8 बजे से चालू करके हुआ है, तो अनदर रात का 8 बजे तक तो मुझे लगता है कि तब जाके कम्प्लीट होगा। आज सुबह काउंटिंग सही समय पर प्रारंभ हुआ, काउंटिंग का स्पीड भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो गैप आ रहा है राउंड्स के बीच में, जो कि सुविधा पोर्टल में अपलोड करने का डिले है, और जिसका मुख्य कारण है कि इंटरनेट का जो स्पीड बहुत स्लो है, और इस डिले के कारण सबको परेशानी हो रहा है। काउंटिंग तो प्रॉपर चल रहा है, लेकिन हमको आज देखना चाहिए कि सुविधा पोर्टल में अपलोड करने का जो डिले है उसका कारण, जो हम लोगों का काउंटिंग ख़त्म होगा लगभग 8-9 बजते बजते, अभी लगभग 1 बज चुका है और 5वां राउंड हो रहा है, टोटल 14-15 राउंड होना है, तो इस प्रकार से अगर चलता रहा तो 9 बजे तक भी ख़त्म होना, मुझे नहीं लगता 9 से ज़्यादा भी हो सकता है। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज आम चुनाव के लिए मतगणना की गई। दक्षिण अंडमान पुलिस ने मतगणना को देखते हुए चाक चौबंद बंदोबस्त सुनिश्चित की। मतगणना प्रक्रिया के शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से मतगणना केंद्र के चारों ओर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में 600 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। आज इलाके के नियमित गश्त के लिए काफी सारी सचल गश्ती दल का गठन किया गया। वोटों की गिनती के लिए जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में बंदोबस्त के संबंध में सीआरपीएफ, भारतीय रिजर्व बटालियन तथा स्थानीय पुलिस सहित सभी ओहदे के पुलिस कर्मियों के लिए पहले से ही ब्रीफिंग की गई। आम लोगों को पहले से ही सलाह दी गई कि वो मरीना पार्क रोड होते हुए बालिका विद्यालय जंक्शन और सिग्नेचर होटल की ओर बालिका विद्यालय की ओर प्रवेश नहीं करें, क्योंकि मछली लाइन जंक्शन और बालिका विद्यालय जंक्शन से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, ताकि मतगणना में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अरेंजमेंट किया हुआ है, टोटल काउंटिंग सेंटर है, इसके चारों तरफ 3 कॉर्डन में सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें नियरली 600 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। जो हमारा इनर कॉर्डन है उसमें सीआरपीएफ है, और उसके बाद आईआरबीएन और लोकल पुलिस है। इसके अलावा हमने ट्रैफिक के भी अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, लोगों को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इसको लेकर के पहले ही प्रेस रिलीज दी गई है। हमारे यहाँ पर काउंटिंग सेंटर पर जो स्टाफ डिप्लॉयड है, इसके अलावा शहर के इंपॉर्टेंट जंक्शंस
वहाँ पर भी हम लोगों ने स्ट्राइकिंग रिजर्व्स रखे हैं, और इसके अलावा पूरे म्युनिसिपल एरिया में हमने मोबाइल पेट्रोलिंग भी रखा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज आम चुनाव 2019 के लिए मतगणना कराया गया। मतगणना के समय अंडमान निकोबार के लोगों में जानकारी जल्द से जल्द और सही तरीके से पहुंचाने के लिए अंडमान के सभी मीडिया कर्मियों के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए। मतगणना की जानकारी मुहैया कराने के लिए मीडिया रूम बनाया गया। इस मीडिया रूम में सभी प्रकार की जानकारी सही समय पर दी गई, ताकि यह जानकारी लोगों तक भी तेज गति से पहुंच। इस संबंध में दस्तक टीवी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और जानना चाहा कि किस तरह की सुविधा मीडिया कर्मियों को दिया गया। आरओ साहब ने मीडिया के लिए अच्छा सेंटर बनाया है, मीडिया सेंटर, जिसमें टीवी वगैरह रखा हुआ है। टाइम टू टाइम जो है उसमें सारा चीज़ जो है राउंड वाइज जो है उसका अनाउंसमेंट भी जो है रूम में आता है। ये धूप का मौसम में इतना गर्मी में कम से कम एसी भी रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मीडिया का जो भी अरेंजमेंट सब कुछ है, बाकी आज का जो भी अरेंजमेंट है और जितना भी हॉल नंबर 1 हो, हॉल नंबर 2 हो, हमने सबका मुआयना किया, सभी एकदम बहुत ही अच्छा तरीके से जो इन्होंने किया है, सभी जो है ओपन है वंस फॉर ऑल सभी के लिए, और कोई चीज़ जो है इसमें सीरियसी का बात नहीं, और बड़ा पीसफुल चल रहा है, और इनके लिए जो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हाँ, हमारे मीडिया रूम में जो काउंटिंग डे के लिए जो अरेंजमेंट किया गया है वो सही तरीके से है, जो काउंटिंग जो है अपडेट बराबर बता रहा है, और मीडिया वाले लोगों के लिए जो अच्छा रूम वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह दिए हैं सरकार की तरफ से, जो भी है सही तरीके से चल रहा है। और काउंटिंग में भी हर टाइम में मीडिया वाले को हर दो यान को ले जाकर दिखा रहे हैं, जैसा काउंटिंग हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, पब्लिक को इस तरह हम लोग वॉच कर रहे हैं। और हर डिस्प्ले में भी हर टाइम हर राउंड का भी डिस्प्ले हो रहा है, कि अभी तक थर्ड राउंड तक हम देख चुके हैं कि इस तरह अरेंजमेंट सही तरीका है। मीडिया वाले लोगों को कोई ऐसा कुछ ये नहीं है, सही तरीके से सारा डिटेल मिल रहा है। आज सुबह लगभग 2 बजे बिली ग्राउंड बाजार के मछली बाजार के पास भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार 3 दुकानें पूरी तरह से इस आग की चपेट में आ गई। बिली ग्राउंड निवासी उत्पल मिश्री ने आग को सबसे पहले देखा और अपने पड़ोसी नारायण दास को फोन किया। दोनों ने वहां पहुंचने के बाद लगभग 2:13 पर अग्निशामक विभाग और बिजली विभाग को फोन किया। फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के लोग लगभग 3 मिनट के भीतर घटना स्थल पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में लग गए। लगभग 1.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों के अनुसार यदि फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर सही वक्त में नहीं पहुंचते तो यह बिली ग्राउंड बाजार में भारी तबाही हो सकती थी। कहा जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र के कई युवाओं ने भी आग को नियंत्रित करने के लिए दमकल विभाग और पुलिस की मदद की। एक जन का जो है उसका कर साइकिल एक दुकान था, उसमें नहीं नहीं करके 4-4.5 लग का किया, उसका बाद जो है उसका 1.5 लग तक किया, और एक जो था सजल शाह करके उसका भी एक करीब गोडाउन था 3-4 लग का किया। इतना टाइम में जल्दी टाइम में उसको पा के आगे को काबू में ले, 2 मिनट अगर उसको लेट होता तो भारी से भारी हो जाता। दस्तक टीवी के लिए अंडमान से संजीव कुमार राय की रिपोर्ट। सभी कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर बेहतरीन ऑफर और पूरे अंडमान निकोबार द्वीपों में सबसे कम दाम, रॉयल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एवरडीन बाजार। Happy Niwas announces mega residential project Silent Valley near Kamrajnagar, Kalikat village. For more information, contact Happy Niwas GR Real Estate Private Limited, Jangli Ghat, Port Blair.
For more detail, contact 9933-288-879 and 9474-220-226.